नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। एटा जिले के मारहरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में शनिवार को स्कूल से लौट रही एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है। बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति ने बच्ची को पकड़कर अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की है। हालांकि जानकारी मिलते ही परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचकर बच्ची को छुड़ा लिया, साथ ही आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस ने बच्ची और आरोपी व्यक्ति को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। दरअसल शनिवार को स्कूल से लौट रही एक 7 वर्षीय बच्ची को गांव के ही ब्रजेश उर्फ बबलू ने जबरन पकड़ लिया और अपने घर ले गया। इस दौरान बच्ची के साथ स्कूल से लौट रही 2 और साथियों ने भागकर पूरी घटना की जानकारी परिजनों को बताई। आनंद फानन में परिजन आरोपी ब्रजेश के घर पहुंचे और बच्ची को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आरोपी ब्रजेश शराबी किस्म का इंसान बताया जा रहा है। अब वो कहता था बच्ची थी, मैं मजाक कर रहा था, वैसे पकड़ा, कुछ भी मान लूंगा। मजाक कर रहे थे? मजाक कर रहा था। कपड़े उतार के मजाक किया जाता है? बच्ची है, झूठी थी वो, पिल्लो को। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? स्कूल से बच्ची वापस आ रही थी, एक सराही ने उसे पकड़कर ऊपर छत पर, मुंह बंद करके ऊपर छत पर तीसरी मंजिल पे ले गया। उसके साथ में उसके सब कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, गलत काम करने जा रहा था। तो वो आरोपी पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ लिया जो है। अभी आप लोग जो है क्या डॉक्टर के पास आए? हाँ, डॉक्टर के पास आए। मारा का एक प्रकरण है जिसमें एक नाबालिग बच्ची 7 साल लगभग उसकी उम्र है के साथ एक वहीं मोहल्ले के युवक ने घर में बंद करके रेप करने का प्रयास किया था। इस समय में वहाँ के स्थानीय लोगों ने जानकारी होकर उसको पकड़ लिया गया था। इसने अभी पंजीकृत करा दिया गया है, अभी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको जेल भेजने कार्रवाई करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।